जो हत्यारा है वो खुद यहाँ आके उनको मारपीट करके यहाँ से भगा देता है, उनको प्रोटेक्शन देके संरक्षण देके जाना, ये कोई भी इसको स्वागत नहीं करेंगे। और जिस शक्ति के साथ उस हत्यारा से पेशाना है, यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, भाजपा यही मांग रही है कि अरुण साहू जी जो है, जो हत्यारा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, वो इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा नहीं देगा तो यहाँ का जो सीएम है नवीन बाबू, उसे ज़रूर हटाना है पद से। जब और उन्होंने कहा कि हम सिट का गठन करेंगे और सिट विल लुक इनटू दी इंसिडेंट, पर हम यही बताना चाहते हैं नवीन बाबू से कि सिट को जुडिशियल पावर्स नहीं होते, और जो अब सिट पे बैठेगा वो भी यहाँ का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका एमडी होगा, उसके पास कोई जुडिशियल पावर्स नहीं होंगे तो वो कैसे करेगा। तो हम मांग रहे कि इस पे एक सीबीआई इंक्वायरी हो, और जो इनके माता पिता है उनको न्याय दिलवाना, और जो मरी है उस बच्ची को भी न्याय दिलवाना। और केवल ये एक हत्या नहीं है, ये ऑर्गन ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ ये घटना है। तो जो ऑर्गन ट्रेडिंग करते हैं उस पे भी सख्त से सख्त उनको पेशाना है, पर जो सख्ती से पेशाना है वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाजपा जब तक इन माता पिता को और मरी हुई बच्ची को न्याय नहीं मिलेगी, तब तक उनके साथ खड़े होकर लड़ेगी। बीजेपी 15 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो धरना चल रहा है, लेकिन आपका जो ओडिशा गवर्नमेंट रिजेक्ट कर रहा है सीबीआई तदंत का, तो बीजेपी कोर्ट में जाएंगे इसके लिए? नहीं, वही बता रही ना, जो लोग यहाँ ओडिशा के लोग नवीन बाबू और बीजेपी को इसलिए वोट दिए ताकि वो यहाँ के लोगों को संरक्षण दे, पर इस छोटी बच्ची के साथ इतने बेदर्दी से उनको मारा गया, फिर भी उनको और उनके माता पिता को आज तक संरक्षण नहीं दे पा रहे, तो ओडिया के लोगों को कैसे देंगे वो, यही पूछना है हमें उनसे। और जिस तरह वो अरुण साहू जी को प्रोटेक्ट कर रहे, वो सब यहाँ के लोग देख रहे समझ रहे, तो वो भी उनको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे ही। और कांग्रेस वाले जिस तरह उनसे मिल गए हैं, आपको पता ही होगा, मीडिया में ही 2-3 सीनियर कांग्रेस वाले बाहर आके बोले कि वो हमारे लोगों ही पैसा खा के उनके साथ मिल गए हैं, ये भी बहुत शर्मनाक है। तो हम लोगों से आपके थ्रू यही कहना चाहते हैं कि आप जिस विश्वास से नवीन बाबू को आपने वोट दिए, वो उन्होंने उस विश्वास को आज तोड़ा है, और ज़रूर यहाँ के लोग उनसे जवाब मांगनी है।